أسأل الله تعالى أن يجعلني من المجاهدين المخلصين لعملي في سبيل الله. इजराइल हमास युद्ध की बाजी अब पलट चुकी है, जिस गाजा को इजरायली सेना ने खंडहर में तब्दील कर दिया है, अब वही खंडहर आईडीएफ के लिए मौत का कब्रिस्तान बन रहे हैं। गाजा के अलग अलग हिस्सों में हमास और अन्य छोटे बड़े प्रतिरोधी संगठन इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहे हैं। और इन हमलों ने आईडीएफ की कमर तोड़कर रख दी है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गाजा से हमास जो वीडियो जारी कर रहा है, वो वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है कि गाजा में इजरायली सेना त्राही माम चिल्ला रही है। और अब इसी कड़ी में राफा में एक बार फिर से अलकासिम ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर बहुत बड़ा हमला किया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। अलकासिम के इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे सड़क पर आईडीएफ का एक टैंक आगे की तरफ बढ़ता है, और जब सामने एक बिल्डिंग में तैनात अलकासिम के लड़ाके उस टैंक पर रॉकेट फायर कर देते हैं, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद मलबे के बीच एक और टैंक नजर आता है, जिस पर फिर से रॉकेट फायर कर दिया जाता है, और ये रॉकेट सीधे टैंक में जा फटता है, जिसमें जोरदार धमाका होता है। इसके बाद सड़क के किनारे आईडीएफ का एक सैन्य वाहन नजर आता है, जिस पर एक रॉकेट हमला किया जाता है। और इसके बाद सामने आईडीएफ का एक और सैन्य वाहन चला आ रहा होता है, जिस पर हमास का लड़ाका एक घर के भीतर छिपकर रॉकेट से हमला कर देता है, और इस हमले में जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद छत पर अलकासिम का एक दूसरा लड़ाका दूर एक आईडीएफ वाहन पर फिर से रॉकेट दाग देता है। और इसी बीच सकरी गलियों में छिपकर अलकासिम का एक और लड़ाका आईडीएफ टैंक पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है। और इस हमले के बाद गाजा के केंद्रीय इलाके में अलकासिम ब्रिगेड के लड़ाके आसमान में उड़ रहे आईडीएफ के अपाचे हेलीकॉप्टर पर एक SAM-7 मिसाइल से हमला कर देते हैं। हालांकि ये मिसाइल हेलीकॉप्टर से जाकर लगी या नहीं, ये बात साफ नहीं हुई है। और एक तरफ जहां अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ नेटजरी मैक्सिस में अलकासिम के लड़ाके इजरायली सेना के कमांड रूम पर राजू मिसाइल और मोर्टर गोले दाग रहे थे। अलकासिम ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। जिसमें धुंधली सी स्क्रीन में हरियाली के बीच से कई राउंड रॉकेट धड़ाधड़ फायर हो रहे हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अभी भी गाजा में हमास रॉकेट और मिसाइलें दागने की कुव्वत रखता है। इसके बाद एक रॉकेट लॉन्चर से हमास का एक और लड़ाका ताबड़तोड़ रॉकेट फायर करता हुआ दिख रहा है। और इस हमले के बाद वेस्ट बैंक में भी अलकासिम के लड़ाके आईडीएफ के ऊपर कहर बरपा रहे होते हैं। इस हमले को लेकर अलकासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने अपने हमले में इजरायली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। अलकासिम ने इस अटैक का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में हमास का एक लड़ाका स्क्रीन पर एक नक्शे के जरिए आईडीएफ की पोस्ट को चिन्हित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद वीडियो में सामने दूर आईडीएफ के कुछ वाहन नजर आते हैं, जिन पर अलकासिम के लड़ाके रॉकेट फायर कर देते हैं। इसके बाद हमास का एक और लड़ाका राइफल या फिर रॉकेट लॉन्चर से दूर से आ रहे आईडीएफ के वाहन पर फिर से हमला कर देता है,
और इसी दौरान बीच सड़क पर जा रहे एक और सैन्य वाहन पर जबरदस्त हमला होता है और इस हमले में जोरदार ब्लास्ट होता है।